जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार और दुलार हमें प्रदान करने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े और अपनी राय जरूर लिखें कमेंट्स में कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, चैनल पर क्या आपकी राय है, जो भी आपकी राय है वो ज़रूर लिखें। दोस्तों, हम सकारात्मक ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और केवल हमको पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी ही बतलाते हैं। हम नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना चाहते हैं और हम एक संचार का काम करना चाहते हैं कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़े, एक पॉजिटिव एनर्जी आए और ज्योतिष के माध्यम से उन्हें वो जो जानकारी मिले उससे वो हमेशा सही जानकारी प्राप्त करते रहें। इस स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी राशि संकट में, संकट के समय कैसे बाहर आए या संकट से कैसे बाहर आए। तो संकट से बाहर आने की कई सारी बातें आपको समझ बेसिकली पता होगा, पर मैं फिर भी आज आपको बात करना चाहता हूँ। बहुत बेसिक बातें करूँगा लेकिन बहुत ही काम की बातें होगी। सबसे पहली बात, जब भी आप पर कोई खराब या विपत्ति का समय आए, अपना धैर्य न खोए। धैर्य, लोग कह देते हैं धैर्य न खोए, धैर्य खोने से आशय यह है अपनी वाणी पर बिल्कुल विराम रखें, उन बातों को न कुरे दें जिन बातों से किसी को भी ठेस पहुँचे या वहाँ पर विवादित स्थितियाँ बने। तो धैर्य रखें, शांत रहें, मन को शांत रखने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ पीड़ाएँ होती है, संकट का कोई परिभाषा नहीं है, संकट कहीं से किसी वक्त भी आ सकता है क्योंकि वो भी एक दुर्घटना है, घटना है और कभी भी ख़राब समय आ सकता है। तो कभी भी घबराएं नहीं, बिल्कुल घबराने से ना तो कुछ होने वाला है, ना ही कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे और ना ही आपके साथ कुछ होगा। तो सबसे पहली बात है कि संकट के समय अपना धैर्य न खोएं, खुद को मोटिवेट करते रहें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह बात खुद से करते रहें आप हमेशा। दूसरी बात है, जो बीत गया सो बीत गया, पुरानी बातों को ध्यान में ना रखें कि हमारे इन्हें साथ नहीं देंगे, वो साथ नहीं देंगे। देखिए, कोई साथ नहीं देगा या नहीं देगा ये बहुत एक बहुत अलग विषय है, ये मानवता का विषय है। मुझे पता है आपकी राशि के लोग आप मानवता में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप मानवता में विश्वास ज़रूर लगे, लेकिन जो लोग मानवता में विश्वास नहीं रखते हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचे भी नहीं। मुझे पता है ख़राब वक्त में अच्छे अच्छे लोगों का साथ कोई नहीं देता है, जो बहुत खास होते हैं वही लोग साथ देते हैं। और बिल्कुल सही है कि विपत्ति आदमी की सच्ची औकात बताता है कि मेरे साथ वाकई में कितने लोग खड़े हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस बात को कभी दिमाग में मत होने दीजिए क्योंकि ये है, वो है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं, आए जाए कोई मतलब नहीं। आप अपने फोकस, अपने कॉन्सेप्ट फोकस करें, आप ठीक होए, स्वस्थ होए, आप उस पीड़ा से बाहर निकलने की कोशिश करें, बस कुल मिलाकर मेरा यही उद्देश्य आपसे। चौथी बात है शिकायत है, शिकायत किसी से नहीं करना, शिकायत अगर करनी नहीं है उसके निवारण की बात सोची जाए। मैं व्यक्तिगत संकट की बात कर रहा हूँ, एक सामूहिक संकट में शिकायत एक अलग विषय होगा, शिकायत किसी, बिल्कुल शिकायत एक अलग विषय होगा, लेकिन हम खुद से शिकायत ना करें या किसी से शिकायतें ना करें या बहाने, बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हमारे पे ख़राब समय आता है, आर्थिक संकट हो गया, शारीरिक संकट हो गया या पारिवारिक संकट हो गया, तो इन संकटों में किसी पर दोष ना दें। दोष बढ़ने से अच्छा है उसका उपचार क्या है, उसका उपाय क्या है और उसे करें। चौथी और पाँचवीं बात है कि जब आपका संकट समय आता है तो वो लालची लोग आप पर हावी हो जाते हैं, आपको बहकाएंगे और आपका गलत फ़ायदा भी उठाएंगे, तो इस ओर भी आप ध्यान दें दोस्तों। पांचवी और आखिरी चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, संकट के समय में कोई साथ नहीं देता हो, आपको ईश्वर साथ देता है, ईश्वर के माध्यम से आपको सभी लोग साथ देने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जब भी संकट आए बिल्कुल घबराए नहीं, हमेशा ईश्वर का जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप पर कभी संकट नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहें। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।